फजीलतों के समंदर का बाप जहरा, तेरा तो नाम ही लेना सवाब है जहरा। के फजीलतों के समंदर का बाप है जहरा, तेरा तो नाम ही लेना सवाब है जहरा। और जिसे हवाओं की नजरें भी छू नहीं सकती, हया की ऐसी मुकद्दस किताब है जहरा। के जिसे हवाओं की नजरें भी छू नहीं सकती, हया की ऐसी मुकद्दस किताब है जहरा। इन अशार के खाली जनाब ताज शाहपुरी साहब, मैं बड़े ही अद्भुत इंतराम से गुजारिश करता हूँ, मुंबर पे आए और मौला की बारगाह में नजराने के अंदर पेश कर रहे एक मिजूर का दुजूर शाह फरमाए के सरकार में लाहुमा हाज़िरीन मजलिस, सलामुन अलैकुम। जो हज़रात बाहर तशरीफ़ रखते हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए करम फर्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ। क़िबला काबा ममलकत मुअद्दब आली जनाब मौलाना आबिस जरवली साहब तशरीफ़ रखते हैं, लिहाजा मजलिस में किसी तरीके की ताखीर ना हो। 9:30 बज चुके हैं, बहरहाल हमारी हाज़िरी लगी थी और ये हमारी खुशनसीबी है कि अपने वतन में बारगाह मौला में नजराने अकीदत पेश करने का शरफ हासिल हो जाता है। आप लोगों की मोहब्बत और खुदा सलामत रखे। यह अय्याम फातमी की कौन सी मजलिस है? यह अय्याम फातमी की 5वीं मजलिस है, लिहाजा ये कोरोना काल ने बड़े बड़े जवानों को निगल लिया और जो दुनिया से रुखसत हो गए उनका यही कहना रहा कि काश मैं आखिरी मजलिस करके आता। लिहाजा जो हजरात बाहर तशरीफ़ रखते हैं इस बात का ख्याल पास रखें, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि दिल और दिमाग ताज रहे करबला के साथ, दिल और दिमाग ताज रहे करबला के साथ, हर बंदे खुदा की यही बंदगी तो है। ये कह के हुर हुसैन पे कुर्बान हो गया, थोड़ी सी जिंदगी है मगर जिंदगी तो है, थोड़ी सी जिंदगी है मगर जिंदगी तो है। कुछ अशार मैं पेश करता हूँ जो बिल्कुल ताज़ा कलाम है और इस बात की आपकी निगाहें भी शायद हैं कि मैं पर्चा लेके पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ताज़ा कलाम है। अर्ज़ करता हूँ सुने कि खुदा के बाद जो लिखा वो बाउसूल लिखा, खुदा के बाद जो लिखा वो बासूल लिखा, अली के साथ हुसैन व हसन रसूल लिखा, है कौन आईना काबे का जब सवाल उठा, मेरे कलम ने अदब से वही बतूल लिखा, मेरे कलम ने अदब से वही बतूल लिखा। बिल्कुल ताज़ा कलाम पेश कर रहा हूँ सुने कि मेरे कलम ने अदब से वही बतूल लिखा, खुदा ने जो भी बनाया है तेरे सदक़े में, खुदा ने जो भी बनाया है तेरे सदक़े में, खुदा ने जो भी बनाया है तेरे सदक़े में, कमाल खल्क में जहरा वजूद तेरा है, तू दीन याद की माँ है हुसैन की मादर, तू दीन याद की माँ है हुसैन की मादर, हर एक नमाज में शामिल दुरूद तेरा है, हर एक नमाज में शामिल दुरूद तेरा सरकार देखेंगे, हर एक नमाज में शामिल दुरूद तेरा है। और नबियों की भी सफ़ों से तू आगे है फातमा, मैं किस तरह बयां करूँ तेरे वक़ार को, सारा जहान झुकता है काबे के सामने, काबा सलाम करता है तेरी मजार को। मोहम्मद भाई, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो हजरात बाहर खड़े हैं उनको अंदर भेजें, मौलाना के आने के बाद अगर वो आएंगे तो मुनासिब नहीं होगा, एक सलवात भेज देंगे जिनके आप लोग। सारा जहान झुकता है काबे के सामने, काबा सलाम करता है तेरी मजार को। और ये भी 4 मिसरे देखें कि वो सूरह यासीन हो या सूरह कौसर, वो सूरह यासीन हो या सूरह कौसर, अजमत का तेरी करते हैं ऐलान ए जहरा, वो सूरह यासीन हो या सूरह कौसर, अजमत का तेरी करते हैं ऐलान ए जहरा, जब लफ्जों के पैकर में ढला तेरा कसीदा, तब जाके मुकम्मल हुआ कुरान ए जहरा, जब लफ्जों के पैकर में ढला तेरा कसीदा,
तब जाके मुकम्मल हुआ कुरान ए जहरा। और चार मिसरे सुने कि हक का सवाल जब किया दरबारे जुल्म में, हक का सवाल जब किया दरबारे जुल्म में, इनकी तरफ यकीन से देखा नहीं गया। अहले इल्म तशरीफ रखते हैं, खुसूसन अपने बुजुर्गों से चारों मिसरे में दुआओं का तालिब हूं कि हक का सवाल जब किया दरबारे जुल्म में, इनकी तरफ यकीन से देखा नहीं गया। जिस दर पे सर झुकाया मोहम्मद ने उम्र भर, वो भी मुनाफिकीन से देखा नहीं गया। जिस दर पे सर झुकाया मोहम्मद ने उम्र भर, वो भी मुनाफिकीन से देखा नहीं गया। और एहसान क्या चुकाएगी दुनिया बतूल का, एहसान क्या चुकाएगी दुनिया बतूल का, काबा बचाने वाला है बेटा बतूल का। एहसान क्या चुकाएगी दुनिया बतूल का, काबा बचाने वाला है बेटा बतूल का। वो भी मरेंगे देखना शद्दाद की तरह, बनने नहीं जो देते हैं रौजा बतूल का। वो भी मरेंगे देखना शद्दाद की तरह, बनने नहीं जो देते हैं रौजा बतूल का। और ये भी चार मिसरे देखें कि दिलो दिमाग को हक का ख्याल देता हूं, दिलो दिमाग को हक का ख्याल देता हूं, मैं अपने बच्चों को रिश्ते हलाल देता हूं। दिलो दिमाग को हक का ख्याल देता हूं, मैं अपने बच्चों को रिश्ते हलाल देता हूं। मेरी कमाई से बरकत कभी नहीं जाती, इमाम असर का सबका निकाल देता हूं। मेरी कमाई से बरकत कभी नहीं जाती, इमाम असर का सबका निकाल देता हूँ। मौला इमाम ज़माना अलैहि सलाम का जिक्र आ गया, सलवात भेजिए आप लोग। एक मुसद्दस के चंद मंदर करता हूँ सरकार, बाज़बान इमाम ज़माना अलैहि सलाम, अर्ज करता हूँ कि क्या अजब आया हो पैगाम आज़ादारों को, क्या अजब आया हो पैगाम आज़ादारों को, मेहंदी असर का सरवर के परस्तारों को। बड़े तल्ख मिसरे हैं, खुसूसन जो फर्श अज़ा पे बैठे हैं वो लायक कद्र हैं। एक एक मिसरे पर तवज्जो का तालिब हूँ। क्या अजब आया हो पैगाम आज़ादारों को, बाज़बान इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, क्या अजब आया हो पैगाम आज़ादारों को। तसव्वुरात की शायरी है ये हमारी। क्या अजब आया हो पैगाम आज़ादारों को, मेहंदी असर का सरवर के परस्तारों को। बावफा लोगों को मीसम नुमा किरदारों को, बावफा लोगों को मीसम नुमा किरदारों को। माफ़ करना ना कभी दीन के गद्दारों को, माफ़ करना ना कभी दीन के गद्दारों को। दिल गमे शह के चरागों से जलाए रखना, हाथ में परचमे अब्बास उठाए रखना। हुजूर खुसूसन दिल गमे चाय के चरागों से जलाए रखना, हाथ में परचमे अब्बास उठाए रखना। दिल गमे चाय के चरागों से जलाए रखना, हाथ में परचमे अब्बास उठाए रखना। कहते हैं दिले जहरा की दुआओं का मदीना तुम हो। अजमत पहचानो इमाम ज़माना अलैहि सलाम आज़ादारो, क्या है तुम्हारे लिए, इमाम ज़माना अलैहि सलाम की नज़र में क्या कह रहे हैं। दिले जहरा की दुआओं का मदीना तुम हो, गमे शब्बीर के दरिया का सफीना तुम हो, मातमे शाह के माथे का पसीना तुम हो, पैरवे ज़ैनब कुलसूम सकीना तुम हो। नास किस्मत पे करो खुल्द की तदबीर करो, चुपके चुपके न खड़े मातमे शब्बीर करो। सरकार क्या अजब आया है पैगाम मजादारों को, मेहंदी असर का सरवर के परस्तारों को। बावफा लोगों को मीसम नुमा किरदारों को, यानी शब्बीर के बेबाक परस्तारों को। माफ करना ना कभी दीन के गद्दारों को। दिल गमे शह के चरागों से जलाए रखना, हाथ में परचमे अब्बास उठाए रखना। दिले जहरा की दुआओं का मदीना तुम हो, गमे शब्बीर के दरिया का सफीना तुम हो, मातमे शाह के माथे का पसीना तुम हो, पैरवे ज़ैनब कुलसूम सकीना तुम हो। नास किस्मत पे करो खुल्द की तदबीर करो,
चुपके चुपके ना खड़े मातम शब्बीर करो। एहसासात की शायरी करता है ताज खानपुरी, जिसके सीने में एहसास होगा इन मिसरों की इंशाल्लाह नवैयत समझेगा। दिल जहरा की दुआओं का मदीना तुम हो, गम शबीर के दरिया का सफीना तुम हो, मातम शाह के माथे का पसीना तुम हो, पैरव जैनब कुलसुम सकीना तुम हो, नास किस्मत पे करो खुल्द की तदबीर करो, चुपके चुपके न खड़े मातम। कहते कि मस्जिदों की तरफ आओ तो करो शुक्र हुसैन। असगर भाई मिसरे सुनिएगा, मस्जिदों की तरफ आओ तो करो शुक्र हुसैन, जा नमाजों को उठाओ तो करो शुक्र हुसैन, जब मुसल्ले को बिछाओ तो करो शुक्र हुसैन, सर को सजदे में झुकाओ तो करो शुक्र हुसैन। याद शब्बीर का, याद शब्बीर का, जिस शख्स को एहसान नहीं वाजिबुल कत्ल है इंसान वो मुसलमान है। जरार भाई मस्जिदों की तरफ आओ, रजब भैया आगे आओ थोड़ा सा, मस्जिदों की तरफ आओ तो करो शुक्र हुसैन, जा नमाजों को उठाओ तो करो शुक्र हुसैन, जब मुसल्ले को बिछाओ तो करो शुक्र हुसैन, सर को सजदे में झुकाओ तो करो शुक्र हुसैन। याद शब्बीर का, जिस शख्स को एहसान नहीं वाजिबुल कत्ल है इंसान वो मुसलमान नहीं। कहते हैं कि मैं कहूं कैसे, गमे शह के तरफदार हैं वो, मैं कहूं कैसे, गमे शह के तरफदार हैं वो, पर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ताज कानपुरी नहीं कह रहा है, कह रहे हैं कि मैं कहूं कैसे, गमे शह के तरफदार हैं वो, परचमे हजरत गाजी के वफादार हैं वो, मकसद हजरत जैनब के परस्तार हैं वो, मान लू कैसे मेरे जद के आजादार हैं वो, मान लू कैसे मेरे जद के आजादार हैं वो, जो गरीबों को आजादार समझते ही नहीं, जो अलम ताजिए के साथ में चलते ही नहीं, जो गरीबों को आजादार समझते ही नहीं, जो अलम ताजिए के साथ में, जो गरीबों को आजादार समझते ही नहीं, जो अलम ताजिए के साथ में चलते ही नहीं। ये भी बंद सरकार अर्ज करता हूं, सुने दुआओं का तालिब हूं। मौला क्या कह रहे हैं कि कल तलक फाकों पे फाके ये किया करते थे, कल तलक फाकों पे फाके ये किया करते थे, जिंदगी अपनी गरीबी में जिया करते थे, जाम घुट घुट के ये गुर्बत के पिया करते थे, वास्ता मुझको सकीना का दिया करते थे, वास्ता मुझको सकीना का दिया करते थे, साहिबे जर क्या हुए दूर खड़े रहते हैं, शबे आशूर भी बिस्तर पे पड़े रहते हैं। साहिबे जर क्या, सरकार आपका हाथ उठ गया हमारे लिए सनद है, जरूरी नहीं है कि पूरी कौम दारे, आपका हाथ उठ गया सनद है मेरे लिए। कल तलक फाकों पे फाके ये किया करते थे, जिंदगी अपनी गरीबी में जिया करते थे, जान घुट घुट के ये गुर्बत के पिया करते थे, वास्ता मुझको सकीना का दिया करते थे, साहिब जर क्या हुए दूर खड़े रहते हैं, शबे आशूर भी बिस्तर पा पड़े रहते हैं। कहते हैं कि भूल कर करबो वाला हज पे जाने वालों, भूल कर करबो वाला हज पे जाने वालों, और कुर्बानी ये सरवर को भुलाने वालों, याद रखना ये जमाने में जमाने वालों, सर को माबूद के सजदे में झुकाने वालों। फिर चारों मिसरे सुनिए, बात सुनाऊंगा इंशाल्लाह। भूल कर करबो वाला हज पे जाने वालों, और कुर्बानी ये सरवर को भुलाने वालों, याद रखना ये जमाने में जमाने वालों, सर को माबूद के सजदे में झुकाने वालों, इसके माबूद में जब सर ये कलम होता है तब कहीं ऊंचा वफाओं का आलम होता है, इसके माबूद में जब सर ये कलम होता है तब कहीं ऊंचा वफाओं का आलम होता है। हज को उम्रे से जो सरवर ने ना बदला होता, हज को उम्रे से जो सरवर ने ना बदला होता,
ताज बिगड़ा हुआ इस्लाम का चेहरा होता, हज को उम्रे से जो सरवर ने ना बदला होता, ताज बिगड़ा हुआ इस्लाम का चेहरा होता। कुल्द में जाने का बना रखा है और खींच लो आके ए जिब्रील अली की तस्वीर, बाबे खैबर को दो उंगली से उठा रखा है, खींच लो आके ए जिब्रील अली की तस्वीर, बाबे खैबर को दो उंगली से उठा रखा है। आज पूरी दुनिया में जो इस्लाम के दुश्मन हैं, वो पूरी दुनिया में यही प्लानिंग कर रहे किसी तरह से अज़ादारे हुसैन को मिटाया जाए, यही उनका हदफ है, यही उनका मकसद है कि किसी तरह से अज़ादारे हुसैन को मिटाया जाए। कभी वो जुलूसों में स्पोर्ट करते हैं तो कभी वो मस्जिदों में स्पोर्ट करते हैं, उनका हदफ उनका मकसद यही है कि अज़ादारे हुसैन को इस दुनिया से मिटाया जाए। हम लोग क्यों बाकी हैं और क्यों बाकी रहेंगे? अगर हकीकत हो शेर में तो टाइप कर दिएगा हाथ बुलंद करके कि खींच लो आके जिब्रील अली की तस्वीर, बाबे खैबर को दो उंगली से उठा रखा है, बाबे खैबर को दो उंगली से उठा रखा है। सुनिए शेर के, बाबे खैबर को दो उंगली से उठा रखा है और कब के इस दुनिया से हम लोग फना हो जाते हैं, हमको जहरा की दुआओं ने बचा रखा है। दुनिया से हम लोग फना हो जाते, हमको जहरा की दुआओं ने बचा रखा है। और तेरे हलके से तबस्सुम ने आए अली असगर, तेरे हलके से तबस्सुम ने आए अली असगर, सारे मैदान में कोहराम मचा रखा है। आखिरी शेर सुनिए, जिस शेर के लिए मैंने तमीज़ इतने शेर आपको सुनाए कि सब बलाओं से मक्का अपना बचा रखा है, घर में अब्बास के परचम को सजा रखा है, खींच लो आके जिब्रील अली की तस्वीर, बाबे खैबर को दो उंगली से उठा रखा है, करके दुनिया से हम लोग फना हो जाते, हमको जहरा की दुआओं ने बचा रखा है, तेरे हलके से तबस्सुम में है अली असगर, सारे मैदान में कोहराम, सुनिए शेर के, सारे मैदान में कोहराम मचा रखा है, सारे मैदान में कोहराम मचा रखा है। अगर हकीकत हो बोलिए कि सारे मैदान में कोहराम मजा रखा है और कब्र से उसकी ही ताहश्र धुआं निकलेगा जिसने दर्फ़ कब्र से उसकी ही ताहश्र धुआं निकलेगा जिसने दर फातिमा जहरा का जला रखा है। कब के दुनिया से हम लोग फना हो जाते, हमको जहरा की दुआओं ने बचा रखा है। आइए मैं बड़े ही अदब और एहतराम से जनाब खतीबे अहले बैत जनाब ताहिर जरवरी साहब के फजल अख्तर जनाब आबिस जरवरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि मुंबर पे आए और अपनी गुजारी तकरीर से मोमिन के गुरु को मुझे मुतः फरमाए। आप सभी अज़ा से गुजारिश है कि उनके सिरबाने बाबा से बुलंद नारे से रास्ता मोहम्मद भाई जो बनाए खड़े उनसे कह दी कि तुलसी अज़ा तशरीफ लिए एक और दूर शब्द वाले मोहम्मद फातिहा।
أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين سيدنا مولانا ابو القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ومنكر ولايتهم ومنكر عطشهم اجمعين من يومنا هذا الى يوم الدين اما بعد فقط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فاطمة بزت مني صلوات بھیج محمد بزرگان ملت و سوگواران صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا میں نے جس لازوال بے مثال بے نظیر حدیث معصوم کو سرنامہ کلام میں سرور کائنات رحمت للعالمین تاجدار انبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی اور اکلوتی بیٹی جناب زہرا کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا۔ زمانے نے ایک عجیب سا اعتراض کیا کہ اگر محمد نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شان میں حدیث سنائی تو کون سی بڑی بات ہے۔ یہ اصول ہے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کو چاہتا ہے، تو محمد کی بیٹی تھیں تو محبت میں کہہ دیا۔ ہم نے کہا بے شک بات سچی ہے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کو چاہتا ہے، مگر ایک حد تک چاہتا ہے۔ محمد تو اپنی بیٹی کو چاہتے تھے کہ خود اپنی زبان طاہر سے ام ابیہا کا، کسی کی بیٹی فضیلتوں میں اپنے باپ کی مانی ہو سکتی۔ کائنات میں فقط دو بیٹیاں ایسی ہیں کہ جو فضیلت میں اپنے باپ سے زیادہ نظر آئیں۔ دیکھیے، کسی کا باپ خدا نہ کرے جاہل ہو اور کسی کی بیٹی عالمہ ہو، مگر باپ سے افضل نہیں ہو سکتی۔ نبی نے اپنی بیٹی کو ام ابیہا کہا، علی کی بیٹی کو خدا نے زینب کہا۔ کائنات میں یا سرور کائنات کی بیٹی جناب زہرا ہیں کہ جو فضیلتوں میں اپنے باپ کی ماں ہیں، رشتے میں بیٹی ہیں۔ اب سمجھ میں آیا، جب ہم نے تاریخ میں پڑھا تو دو منظر نظر آئے، کبھی محمد کی آغوش میں زہرا نظر آئیں اور کبھی زہرا کو آتے دیکھا تو محمد نے مسند کو چھوڑ دیا۔ جب رسول نے رشتہ محسوس کیا تو اپنی بیٹی کو آغوش میں کھلایا، اور جب فضیلتوں کی ماں مانا تو مسند کو چھوڑ دیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزوں، زیادہ طولانی گفتگو نہیں، بہت لمبی مجلس نہیں، اتنی دیر مجلس نہیں پڑھوں گا کہ کوئی بلانے والوں سے پوچھے کہ کس کو بلا لیا تھا اور کیوں بلا لیا تھا۔ صرف جب تک آپ توجہ سے سنیں گے اتنی دیر سناؤں گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب زہرا کے لیے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ اب یہ سمجھیے، بچے
बुजुर्ग हमसे बेहतर उलमा जाकरीन को समाज फरमाते रहते हैं, दीनी किताबों पर निगाह होगी। नौजवानों बच्चों से तवज्जो चाहता हूँ। फातिमा मेरा जुज है, किसने कहा? रसूल अरबी ने, फातिमा मेरा जुज है। अब आप ये देखिए कि मोहम्मद हैं क्या। अगर मोहम्मद रसूल हैं तो फातिमा रिसालत का जुज, अगर मोहम्मद नबी हैं तो फातिमा नबूवत, नबी सादिक हैं तो फातिमा सदाकत का जुज, इन हैं तो फातिमा अमानत का जुज। एक सलावात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो कुछ मोहम्मद हैं उसका जुज फातिमा है। सलाम हो जहरा पर, सलाम हो शौहरे जहरा पर। अपनी बेटी को जुज कहा मगर अपने दामाद को कुल कहा। मौला आपको सलामत रखे। फातिमा को मोहम्मद ने अपना जुज बताया मगर जंगे खंदक में अपने दामाद को कुल्ले ईमान। सलावात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदा रसूल इमाम शहजादी कौनैन नारा लगाने वाले को सलामत रखें, जवाब देने वालों को सलामत रखें। एक एतराज़ याद आ गया गैरों का, खामकई शिया कौम के पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं, कभी इल्ज़ाम रखते हैं, कभी बोहतान, कभी तोहमत। अगर शरीयत मोहम्मदी में तोहमत का गुना जानते हो तो कभी नहीं रखते। झूठ का गुना जानते होते तो झूठ इस कौम के लिए ना बोलते, ये कौम ऐसा करती है वैसा करती है। अब क्या करती है, क्या इल्ज़ाम है, आप सब जानते हैं। मुझे कुछ कहना नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तवज्जो चाहता हूं। हम पर इल्जाम है कि हम तीन को नहीं मानते। खुदा की लानत हो उस शिया पर। देखिए मिंबर से अजा खाने में कानपुर के इन अजादारों के सामने किस जाकिर की औकात है जो शिया पर लानत भेजे, क्योंकि शिया ही पर लानत नहीं हो सकती। दुनिया पर किसी पे जाए लानत शियों पे नहीं हो सकती। जो शियों पर लानत भेजे उस पर खुदा की लानत। मगर चूंकि मजलिस रिकॉर्ड हो रही है इसलिए मेरा गौर से सुनिएगा। मैं अपने कहे हुए जुमले का जिम्मेदार हूं, आपकी समझ का जिम्मेदार नहीं। उस शिया पर खुदा की लानत हो जो तीन को ना माने। फिर दोहरा रहा हूं, उस शिया पर खुदा की लानत हो जो तीन को ना माने। अली का शिया ला इलाहा इल्लल्लाह भी मानता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मानता है, अली वलीउल्लाह भी मानता है। सलावात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। आने ग्रामी नारे तकबीर भी लगा अल्लाह अकबर, नारे रिसालत भी लगा या रसूल अल्लाह,
नारा हैदरी भी लगा। ये तीनों नारों के रिश्ते सगे सौतेले नहीं, जात वाले नहीं कि खाला जात, फूफी जात, मामू जात, चचा जात, कोई जात नहीं। जो इन नारों में शक करे वो बज़ात है। क्योंकि जनाबे जहरा की वो जात है कि तीनों रिश्तों से फातिमा का सगा रिश्ता है। नारे तकबीर, जवाब क्या है? अल्लाहु अकबर। अजान कहो तो अल्लाहु अकबर, अकामत कहो तो अल्लाहु अकबर, तकबीरतुल इहराम कहो तो अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, कौन कौन सा रसूल? 313 थे रसूल का आखिरी रसूल, तिमा का बाबा रसूल, नारे हैदरी, जवाब क्या है? कया अली, कोई और नहीं, शौहर बतूल, दामाद रसूल, सिद्दीका बनाने वाला जहरा को अल्लाहु अकबर है। या जुमला बदल के कहूं कि जिसने सिद्दीका बनाया जहरा को वो खालिके कायनात है। जिसने दुनिया को बताया कि ये सिद्दीका है वो सरवरे कायनात है। और जिसने उसकी ताईद की वो मौलाए कायनात। माशाअल्लाह, आप बोल रहे हैं, लगता ये है कि कानपुर का आज का ये मजमा, कई साल बाद हाजिर हुआ हूं तो मेरे मिजाज का मिला है। और क्यों ना मिले, मैं मजलिस पढ़ने आया हूं जनाबे जहरा की। आप मजलिस सुनने आए हैं जनाबे, तो जो हम दोनों में इत्तेहाद है, कोई इख्तलाफ नहीं, तो बात तो बनना है। मैं थोड़ा चरख जबान हूं, कहीं पर जबान फिसल जाए तो माफी चाहता हूं, बुजुर्गों से इसलाह चाहता हूं। तारीख बताती है कि जनाबे जहरा मरकजे पंजतन कहलाती हैं, मरकजे इस्मत कहलाती हैं। हदीसे किसा में चादर के नीचे जब आए तीर आई तो पंजतन थे। बच्चों को भी याद होगा, पहला नाम मोहम्मद का, दूसरा नाम मौला अली का, तीसरा नाम जनाबे फातिमा का, चौथा नाम इमाम हसन, पांचवें इमाम हुसैन। अब कहीं पर पंजतन का कदबा देखना, उसकी तरतीब देखना, जब जन्नत में दाखिला करना तो जन्नत के दर से मिला लेना। तरतीब क्या है? पहला नाम है मोहम्मद का, दूसरा नाम है अली का, तीसरा नाम है फातिमा का, चौथा नाम है हसन का, पांचवा नाम है हुसैन का, बीच में फातिमा, फातिमा के इधर दो मासूम, फातिमा के उधर दो मासूम। रिश्ता भी बच्चे सुनते चले, फातिमा से पहले बाबा है, शौहर है, फातिमा के बाद बड़ा बेटा छोटा बेटा है। तवज्जो है ना, यही तो फेरिस्त है पंजतन की। दो इधर दो इधर, जिनका अरबी या उर्दू इमला सही है वो एक मिनट का सफर मेरे साथ कर लें। तारीख बताती है जब हमने नहा तो मोहम्मद में हुरूफ हैं चार, अली में हुरूफ हैं तीन, चार और तीन, जिसकी मजबूत हो मेरे साथ बोले। मोहम्मद के नाम में हुरूफ हैं चार, अली में है तीन, चार और तीन, फातिमा के इधर सात, इमाम हसन के हुरूफ तीन, हे सीन नून, हुसैन के हुरूफ चार,
हे सीन ये नून, चार और तीन सात, हसन के तीन, हुसैन के चार, सात इधर, अली के तीन, मोहम्मद के चार, सात उधर, मिला लो तो 14 बने। अब एक 30 सेकंड की जहमत और उसके बाद मजलिस का आगाज करता हूं। तारीख बताती है कि जब हमने फिर देखा तो अब हम फातिमा के हरूफ क्यों ना बताएं, कोई बच्चा ये ना कहे कि उनके नाम के हरूफ नहीं जानते थे। इसलिए बता दूं, मोहम्मद के चार, अली के तीन, सात हुए, फातिमा के पांच, सात और पांच, इधर से तीन नाम लो तो 12। बाई तरफ चले जाओ, हुसैन के हरूफ चार, हसन के तीन, चार और तीन सात, फातिमा के पांच, इधर से देखो तो 12, उधर से देखो तो 12, सात इधर, सात इधर तो 14। अल्लाह ने फैसला किया सिर्फ पंजतन की दरमियानी फातिमा नहीं, 12 में भी यही है, 14 में भी यही। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब हदीसे के साथ पढ़ते हैं शबे जुमा, तर्जुमा सुनते होंगे, शोहरा ने नज़्म किया है, बच्चे बच्चे को तर्जुमा याद है। बड़ी तेजी के साथ एक बात कह दूं कि जब चादर में पंजतन इकट्ठा हो गए तो जिब्राइल ने पूछा, परवरदिगार इस चादर में कौन है? परवरदिगार के जवाब से पहले अगर मैं होता तो मैं बोलता, मैं पूछता, जिब्राइल बच्चा ना बनो, इस चादर के नीचे वही मोहम्मद है कि जिसके पास तुम वही लेके जाते हो, इस चादर के नीचे वही अली है कि जिसकी शान में लाफता का कसीदा पढ़ चुके हो, इस चादर में वही जहरा हैं कि जिनकी चक्कियां पीसी हैं, इसमें वही हसन है कि जिनका झूला तुमने 15 रमजान को झुलाया, वही हुसैन है जिनकी गहवारा जुम्बानी 3 शाबान को की, आज पहचानने से इनकार है का नहीं? इतना नूर छना चादर से कि जिब्राइल ना पहचान सके। यहां पर एक मिसाल दे दूं, अगर 5 शमाएं कुछ फासले पर गैप देके आप जलाएं, किसी बच्चे से पूछे कई शमाएं हैं, आसानी से गिन के बता देगा 5। उन 5 शमाओं को एक मुट्ठी में ले लीजिए, अब जलाइए, मुट्ठी बंद कीजिए, शमाएं नजर ना आए, एक लौर तेज निकलेगी, कोई बुजुर्ग भी ना बता पाएगा कई शमाएं हैं। जिब्राइल कैसे पहचानते किसा में? अली को अलग देखा था, फातिमा को अलग देखा था, हसन को अलग देखा था, हुसैन को अलग देखा था। ये पहली मर्तबा सब इकट्ठा हुए, इतना नूर छना कि जिब्राइल से बर्दाश्त हुआ, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, ए जिब्राइल तू कैसी बातें करता है? इसी नूर को जब मूसा जैसा नबी कोहे तूर पे ना बर्दाश्त कर सका तो किसा के नीचे तू क्या बर्दाश्त करेगा? अब अल्लाह ने तारुफ करा दिया, अल्लाह ने बहस नहीं की जिब्राइल से, जिब्राइल ने पूछा कौन है किसा के नीचे, चादर के नीचे, अल्लाह ने तारुफ कराया, फात
फातिमा है, फातिमा के शहजादे पिसर लखते जिगर हसन और हुसैन है। तारुफ बड़े से होता है, छोटे से नहीं होता। समाज में भी हर जगह बड़ा बड़ा होता है, बेटा बेटा बाप बाप होता है, बेटी बेटी है बाप बाप है। तवज्जो है ना। अल्लाह को नहीं मालूम था कि जिस मोहम्मद को मैंने ताहा कहा, यासीन कहा, मुजम्मिल कहा, मुदस्सिर कहा, रहमतुल आलमीन कहा, उससे पहचानवा देते। अल्लाह कहेगा आबिस, जब तुझे मजलिस पढ़ने की तमीज नहीं तो कानपुर क्यों आ गया? अरे अगर मोहम्मद से पहचानवाता अल्लाह कि मोहम्मद हैं, मोहम्मद के दामाद हैं, मोहम्मद की बेटी हैं, मोहम्मद के नवासे हैं, तो कुछ और भी आगे बढ़ के कहते कि मोहम्मद के रिश्तेदार अहले बैत हैं। अल्लाह ने ता कयामत फैसला कर दिया आलम मोहम्मद दे दू बच्चों के लिए। बुजुर्ग होता है सेमिनार फिल हो मजलिस हो नुआन होता है। बड़ा से गुजारिश है ममदू की मदा में चाहे चारी मिसरे सुनाए, सुनाए राजा भाई अली की शान में सुनाए। बीच जमादुस्सानी का जश्न है, मरकज विलादत फातिमा, तारीख तवल्लुद जहरा। तो कहने का मकसद यह है, ये मजलिसें किस पर हैं? क्या शहजादी कौनैन की शहादत की है? तो अब अगर मैं किसी और का जिक्र करूं, शहजादी का ना करूं, कहा जब जाहिल आदमी था, शहजादी के बारे में कुछ जानता नहीं था, और अगर जानता था तो उनकी मजालिस थी, उसमें कुछ कहा क्यों नहीं, कुछ पढ़ा क्यों नहीं? कोई बड़ा शायर मरता है तो उसके 40वें में मिंबर से बोला जाता है। अगर कोई अदीब मरता है, अगर कोई खतीब मरता है, अगर कोई आलिम का इंतकाल होता है तो उसकी शान बयान की जाती है। जब जनाबे जहरा की मजलिसें हैं तो उन्हीं की शान बयान होगी। अब अगर तारीख में कोई ऐसी औरत मिले कि फातिमा की शान सुनने के बाद उसकी शान घटती नजर आए तो हमसे शिकवा ना करना, उसकी कब्र का पता लगाना और जाके सवाल करना। अजीजों, तारीख बताती है कि फातिमा से पहचानवाया। एक छोटी सी मिसाल दे दूं, फिर बड़ी तेजी के साथ मंजिल पर आ जाऊं कि अगर आपकी हमारी किसी बेटी का अक्द होता है तो किसके नाम पर लोग बुलाए जाते हैं, कार्ड बांटा जाता है, दावतनामा दिया जाता है। क्या मेरी बेटी का अक्द है? अच्छा, दूल्हा का नाम, दुल्हन का नाम, इब्ने के साथ, बिनते के साथ, हमरा लिख दिया गया, तारीख छाप दी गई, आने वाले आ गए, बारात आ गई, निकाह हो गया, हदीस किसा हो गई। अब उसके बाद दो तीन लड़के हैं मिसाल के तौर पर के जो खाना खिलाने में बढ़िया है, कोई ना कोई पूछता है भैया मैं एक घंटे से देख रहा हूं कि पूरे मजमे कोई दुल्हन के बाप हैं। अब जो तारुफ करा रहा है उसका गरेबान पकड़ के पूछो, ये हर जगह दुल्हन दुल्हन क्यों कह रहे हो? दुल्हन के भाई हैं। अमा जो खाना खिला रहा है उसका नाम बताओ, जिसने हार पहनाया उसका नाम बताओ, ये रिश्ता क्यों बता रहे हो? अल्लाह ने सलीका सिखाया है दुनिया को कि जिसके नाम पर जमा किया जाता है उसी के नाम से पहचानवाया जाता है। वो दुल्हन के चचा हैं, वो दुल्हन के बाप हैं, वो दुल्हन के भाई हैं। इसीलिए आया तथीर जब नाजिल हुई, जिब्राइल ने पूछा कौन? अल्लाह ने कहा फातिमा है, फातिमा के बाबा हैं,
फातिमा के शौहर, फातिमा के बेटे। अब ये फातिमा थी कौन? का इस्मत की दुल्हन थी, इस्मत की दुल्हन फातिमा थी। अगर इजाजत दें तो कुछ अर्ज करूं। शहजादी का लकब है खातूने मैशर, खातूने जन्नत, जन्नत की उन बीवियों की खातून के जो हमारी मां से अफजल, जो हमारी बहन से अफजल। नाम सुनेंगे, मिसाल के तौर पर जनाबे हव्वा, जनाबे सारा, जनाबे आसिया, जनाबे मरियम, इनकी सरदारा को सैयदा कहते हैं। हमारे घर की औरतों की सरदारा सैयदा नहीं है, आसिया की सरदारा, मरियम की सरदारा। जनाबे मरियम की शान कुछ कम नहीं है। जनाबे मरियम ने वही लकब पाया कि जो जनाबे जहरा को मिला। अगर आप इतनी कद्र करना जानते हैं कि एक जुमले की, तो यहां पर बड़ी पूरी मजलिस का निचोड़ पेश करने जा रहा हूं। जनाबे जहरा का लकब जहरा, मर्जिया, इंसिया, राजिके, फातिमे, खातून जन्नत, खातून मैशर, साथ में क्या? बतूल। जनाबे मरियम बतूल, मगर दोनों के बतूल होने में जमीन आसमान का फर्क है। सन्नाटा छा गया। मरियम के बतूल होने में, जहरा के बतूल होने में जमीन आसमान का फर्क है। जहरा क्यों बतूल हैं, मरियम क्यों बतूल हैं? अब आपने खामोशी का मुजाहरा किया है तो दो मिनट में खामोश कर दूं, फिर जिसका जी चाहे बोले। तारीख बताती है कि जनाबे मरियम के वालदैन ने, वालिद ने मन्नत मानी, नजर मानी। अल्लाह खामोश क्यों रहा? आज कहते हैं नजर बिदत है, मन्नत ना मानना चाहिए। तो मरियम के बाप ने जब नजर मानी, मन्नत मानी, तो अल्लाह ने टोका क्यों नहीं कि बिदत है? अल्लाह की खामोशी इसका मतलब जायज है। क्या मानी? ए परवरदिगार, मुझे एक औलाद दे दे, क्या करूंगा? बैतुल मकदस की खिदमत कराऊंगा जिंदगी भर, अपने लिए नहीं मांगा, अल्लाह के घर के लिए। हुई बेटी, बाप हुआ मायूस, अल्लाह ने आवाज दी मायूस ना होना। तुम्हारा मकसद यही था औलाद मांगने का कि औलाद होगी तो बैतुल मकदस की खिदमत कराऊंगा। अब सोचा है बेटी, इशारों में कह जाऊं, बाप ने सोचा हर वक्त बेटी खिदमत नहीं कर सकती। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारी बेटी को बतूल बनाता हूं। इसका मतलब जनाबे मरियम जो बतूल बनी तो जरूरत बनी। मैं कुछ कह रहा हूं या यूं कहूं कि मरियम जो बतूल बनी वो जरूरतन बनी, फातिमा जो बतूल बनी वो फजीलतन बनी। सलावात भेजे मोहम्मद व आल मोहम्मद। ये फातिमा की फजीलत, फातिमा नार से बचाने वाली, दोजख से बचाने वाली, आग से बचाने वाली। आज लोग कहते हैं आप मातम करके जन्नत जाएंगे, आप रो के जन्नत जाएंगे। भाई हम जाएं या ना जाएं, कहीं रह जाएं, तुमसे क्या मतलब?
मातम करें हम परेशानी आपको, गिरियां करें हम दुखन आपको, ये रोना आपको बख्शवा लेगा। अरे फिर वही, मैंने पहले ही ऐलान कर दिया कि मैं चर्ख जबान हूं, अगर कोई बात कड़वी निकल जाए, वो हकीकत हमेशा कड़वी होती है, और मिंबर से हकीकत ना बयान हो तो हक़े मिंबर अदा ना हो। तवज्जो है ना, तारीख बताती है कि फातिमा नार से बचाने वाले उसी के बेटे की आजादारी करते हैं। अब ये तो जिम्मेदारी मासूमा की बनती है कि हमें जहन्नम की आग से बचाएं। मगर आप जानते हैं ना, दो हदीसें मासूम की एकदम नुमाया हैं, दो सर्टिफिकेट दिए हैं इमाम ने अहले बैत के चाहने वालों को, इतना इससे बड़ा कोई तोहफा हो नहीं सकता। हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि जो रोए या रुलवाए या रोने वाले की सूरत बनाए, किस पर? मौला हुसैन पर। जो मेरे जद हुसैन के गम में रोए या रुलवाए या रोने वाले की सूरत बनाए, उस पर जन्नत वाजिब है। तो जो चीज मासूम इमाम वाजिब कर दे वो मुस्तहब नहीं हो सकती, वाजिब ही रहेगी। छठे इमाम ने अहले बैत के मातमदारों पर जन्नत वाजिब कर दी। अब दूसरा सर्टिफिकेट दिया इमाम ने कि जिसके दिल में जर्रा बराबर मेरे जद अली की मोहब्बत है, उस पर दोजख की आग हराम है। जो चीज मासूम हराम कर दे वो जायज नहीं हो सकती। इमाम ने हमें दोनों तरफ से बचा लिया, रोने वालों को जन्नत वाजिब कर दी, अली के चाहने वालों पर जहन्नम हराम कर दिया। कोई ताकत हमें जहन्नम नहीं ले जा सकती, जहन्नम नहीं ले जा सकती। मगर समझों में समझ लीजिएगा, खुल के ना कहना पड़े, ना आप बदनाम हो ना हम बदनाम हो। जो फड़ाइनात का सबसे बड़ा अहमक हुआ है, जो फर्श अज़ा से भागे, ये बात मैंने कह दी। अब कहिए मैं अपनी बात को काट करूं, जो आते हैं उनके आने की मजबूरी है, जो फर्श अज़ा से भागते आए उनके भागने की मजबूरी है, क्योंकि अल्लाह ने सैयदा को बनाया बतूल, आए तथीर नजासत दूर रखी, तो जहां नारा लगाए जो नजफे असरत जाए, आप सबके हक में दुआ करके मौला सलामत रखे ताज कानपुरी साहब को, जिन्होंने खुद भी हाथ उठाए सबके हाथ उठवा दिए। काहे पर अपने वालिद का नाम लिया, अपने दादा का नाम लिया, अपने परदादा का, मौला अली का। तीन अकबर हैं जो अपने मसले में हाथ उठवा लेते हैं, एक है खुदा अल्लाह अकबर। जब अजान कहोगे हाथ उठाओगे, अकामत कहोगे हाथ उठाओगे, तकबीर कहोगे हाथ उठाओगे, एक है मेरा मौला सिद्दीक अकबर जो नारे हैदी में हाथ उठवाता है, एक है हुसैन का बेटा अली अकबर।
जो मातम में हाथ उठवा लेता है। अल्लाह अकबर कहोगे अल्लाह की शान, सिद्दीक अकबर को पुकारोगे। अब देखिए कुछ बातें आ ही जाती हैं बीच बीच में और लोग कहते हैं ये पढ़ दिया वो पढ़ दिया, और ऐसा ना कहना चाहिए था और वैसा ना कहना चाहिए था। हम कहते हैं आपको ऐसा सुनना नहीं चाहिए था। अली का लकब है सिद्दीक, वो किसी ने किसी से मंसूब कर दिया, हमें कोई शिकवा नहीं, मगर सदमा एक है, हम इत्तेहाद वाले हैं, हम फसादी नहीं, हमारी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है, हमारी लड़ाई यजीदियों से है, हमारी लड़ाई यजीदियों से है, मुसलमानों से नहीं है। हम कभी फसादी बात ना करते हैं ना पढ़ते हैं, हम तो इत्तेहाद के कायल हैं, हम तो इत्तेहाद के कायल हैं, हम तो इत्तेहाद के कायल हैं। और सबसे बड़ी दलील क्या है कि मौला अली का लकब सिद्दीक अकबर तारीख में किसी ने किसी से मंसूब कर दिया, हमें कोई शिकवा नहीं, हर अच्छी बात हर आदमी चाहता है हमसे मंसूब हो जाए, हर बड़े आदमी से छोटा आदमी रिश्ता जोड़ता है, ये भी अली का मुकद्दर था कि लखब अली का था, मंसूब किसी और से किया। मगर शिकवा एक है कि जिसको सिद्दीक अकबर कहा गया उसको शेर खुदा क्यों ना कहा गया। शेर खुदा क्यों ना कहा गया भाई, जितने अली के अलकाब थे, जैसे अमीर अल मोमिनीन किसी को कहा गया, किसी को कुछ कहा गया, मगर शान मौलाए कायनात का लाखों सलाम। अली का लकब शेर खुदा वाहिद ऐसा लकब है कि जो भेड़िए ना ले सके, दरिंदे ना ले सके, सब कुछ बनना आसान है शेर बनना मुश्किल है। अमा शेर बनना तो बनना, शेर कहना मुश्किल है। यकीन ना आए तो ताज कानपुरी साहब से पूछ लीजिए कितना मुश्किल है, जमीन ढूंढो घर बनाने के लिए नहीं शेर कहने के लिए, जमीन ढूंढो, तखील निकालो, काफिए जमा करो, रदीफ सोचो, शेर सोचो, मिस्र उगला कहो, मिस्र सानी कहो, तब एक शेर बनता है। तवज्जो है ना, जनाबे सैयदा के फजाइल के साथ जिसको जनाबे सैयदा ने अपना बेटा कहा, अगर कानपुर में इस मजलिस में उसका जिक्र ना हुआ तो शायद सैयदा भी नाराजी हो। वो जाते बाबुल हवाइज जनाबे अब्बास है, शहजादी ने अपना बेटा कहा इमाम हसन हुसैन के होते हुए, और अब्बास की विलादत तो हुई थी, एक पैरहन सिया था जनाब सैयदा ने वो अली को दिया था कि जब अब्बास नाम का दुनिया में बेटा आए तो मेरे हाथ का सिला हुआ कुर्ता पहना देना। जुमला सुनेंगे, इमाम हसन हुसैन पर लाखों सलाम कि जो ईद के दिन जन्नत का लिबास पहने, इमाम हसन हुसैन पर लाखों सलाम के जो ईद उल फित्र में जन्नती लिबास पहने, अब्बास पर लाखों सलाम जो खातून जन्नत के हाथ का सिला लिबास पहने। Abbas, 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 Abb
सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाई। अब शेर काज कानपुरी साहब से पूछिए कि कोई कसीदा कहें, कोई नौहा कहें, कोई सलाम कहें, एक मिसरे का शेर नहीं होता, एक शेर में दो मिसरे। पहला मिसरा मिसरे उला, दूसरा मिसरा मिसरे सानी। तवज्जो है ना। अब एक बीवी है कि जो सानिय जहरा कहलाती है, एक मेरा मौला है गाजी अब्बास के जो सानिया हैदर कहलाते हैं। अगर सानी समझना है तो ताज कानपुरी साहब के शेर के मिसरे सानी से समझ लो। सानिय हैदर कहलाए कौन? जनाब अब्बास। इमाम हसन क्यों ना कहलाए? इमाम हुसैन क्यों ना कहलाए? सानिय जहरा बनी जनाब जैनब, जहरा की सानी जैनब, हैदर के सानी अब्बास। बहुत पहलू है, रात तमाम हो जाएगी, मजलिस ना तमाम होगी। बस मुख्तसर करके यूं सुन लीजिए। अल्लाह ने सोचा कि जब कानपुर की सरजमीन पर एक दिन मैं ताज कानपुरी को पैदा करूंगा और वो अशार कहेंगे, और जब अशार कहेंगे तो उसमें हर शेर में दो मिसरे कहेंगे, जब दो मिसरे कहेंगे तो पहले मिसरे को मिसरे उला कहा जाएगा, दूसरे मिसरे को मिसरे सानी कहा जाएगा। अल्लाह ने अपना शेर अली को तो बना लिया, अल्लाह ने अपना शेर अली को तो बना लिया, बाद में सोचा कि शुअरा के एक शेर में दो होते आए। मेरे घर में भी कोई सानी आ जाए। अली ने दुआ की सानी हैदर। जुमला बदल के कहूं, खुदा के शेर को अली कहते आए, अली के शेर को अब्बा। खुदा के शेर को अली कहते हैं, अली के शेर को अब्बास कहते हैं। इसी अब्बास को अपनाने वाली जनाबे जहरा बड़े राज हैं। मासूम या मासूमा जो कह दे, हमारी समझ में नहीं आता क्या कह गई, क्या कह दिया मासूम ने। कभी सोचो फिक्र करो, मजलिस फर्श पर आके बैठ के टाइम काट के तबर्रुक लेके चले जाने का नाम नहीं। मजलिस उसको कहते हैं कि फर्श अज़ा से उठो, जाकिर की एक घंटे की तकरीर में कोई एक बात तो समझ लो, और जो समझ में आ जाए उस पर अमल कर लो। इसको कहते हैं मजलिस। नाम है मजलिस, है दर्शगाह। सारी दर्शगाहें यूनिवर्सिटी जीरो है अज़ा खाने के आगे। स्टूडेंट अलग होता है, किताबें अलग होती हैं, सब्जेक्ट अलग होता है, मगर जब मजलिस एक उस्ताद पढ़ता है तो शागिर्दों में कोई 80 साल का भी होता है, कोई 50 साल का भी होता है, कोई 20 साल का भी होता है। जब मजलिस खत्म होती है उस्ताद नहीं पूछता क्या समझे, मजमा कहता है क्या खूब मजलिस पड़ी, लुत्फ आ गया, ईमान ताजा हो गया। क्या मतलब कि जो आपने कहा वो बुजुर्ग ने भी समझा, वही बच्चे ने भी समझा। ये जाकिर का फन नहीं है। मुर्तजा आपकी शान है, माफ करना, हम नहीं माफ करेंगे, हम नहीं जन्नत के अंदर आने देंगे। इमाम हसन कहेंगे खता क्या है, का 22 जमाल उस्तानी को आपके दस्तरखान की नजर नहीं चली। इमाम हुसैन बढ़ेंगे फिजा छोड़ो टालो, छोटी छोटी बातें माफ कर दो, का आपकी शान है माफ करना,
हमने आपका नमक खाया है, नहीं माफ करूंगी। क्यों का कभी यह मजलिस में नहीं आया, कभी इसने मातम नहीं किया, कभी इसने आंसू नहीं बहाए, कभी इसने आजादारी नहीं की, कभी इसने ताजिया नहीं रखा। तो पता चला कि पांच में अगर एक नाराजी हो तो किसमें हिम्मत है जो जन्नत में कदम रखे। मगर इतनी गुफ्तगू की नौबत ही नहीं आएगी, इसलिए कि कासिम नारो बहिश्त अली हैं। किसने बनाया? नबी ने। या अली तुम जन्नत बांटोगे, तुम जहन्नम तकसीम करोगे। अब अली कैसे करेंगे? कहेंगे मेरा, वो जन्नत जाएगा। जिसे अली कहेंगे तेरा, वो जहन्नम जाएगा। मेरी समझ में ना आया कि जिसे अली मेरा कहेंगे वो जन्नत जाएगा, जिसे अली तेरा कहेंगे वो जन्नत जाए जहन्नम जाएगा। ऐसा क्यों? एक दिन लेटे लेटे सोच रहा था, समझ में आ गया, जो 13 रजब से भागेगा, जो 13 रजब की नजर नहीं कराएगा, जो 13 रजब को खीर नहीं खाएगा, जो 13 रजब को अपनी मस्जिदें नहीं सजाएगा, अली जहन्नम की तरफ देखेंगे, कहेंगे यही तेरा है, वो जहन्नम चला जाएगा। और जो 13 रजब शान से मनाएगा, अली कहेंगे ये मेरा है, वो जन्नत चला जाएगा। हाँ अजीजों, बहुत ज़हमत दी, मगर ये मजालिस किससे मंसूब हैं? का बिनते रसूल, दुख्तरे रसूल, हमसरे मौलाए कायनात, मादरे हसनैन, खातूने मैशर, खातूने जन्नत, जनाबे फातिमा। कल किसकी शहादत में आपने मातम किया? जनाबे सैयदा मजलूमा बीवी का मातम कल आपने किया। आज भी आप मजलिस में आए हैं, कल भी आएंगे, जब तक मजलिसें तमाम ना होंगी आप इसी तरह आते रहेंगे। ये 10 मजलिसें जनाबे सैयदा के नाम पर कोई ज्यादा नहीं है, कोई ज्यादा मजलिसें नहीं है। अरे जिसके बेटे का गम हम 2 महीने 8 दिन करते हों, उसकी वालिदा का कम अगर हम 10 मजलिसों में शरीक हो जाएं, क्योंकि करबला में और जहरा के घर में बस एक फर्क था। करबला में हर मां के सामने बेटा मारा जा रहा था, मगर मदीने में बेटों के सामने मां मारी जा रही थी। कोई ताजियाना किसी ने मारा, किसी ने रुखसारे पर तमाचा मारा। हां अजीजों, मैं किसके मसाइब पढ़ूं? पढ़ना तो सिर्फ जनाबे सैयदा के चाहिए, मगर उससे पहले 2 बीवियों का जिक्र और कर दूं। जनाबे जैनब, जनाबे सकीना और जनाबे जहरा, तीनों अपने बाप की चहीती बेटियां थीं। मोहम्मद की बेटी जहरा, अली की बेटी जैनब, हुसैन की बेटी सकीना। ना इनका कोई जुर्म था, ना इनका कोई जुल्म था, मगर बेखता रुला रुला के तड़पा तड़पा के मारी गई। मगर सकीना और जनाबे सैयदा का मुसीबत का अंदाज मिलता जुलता था। जनाबे सैयदा जब इस दुनिया से जाने वाली थी तो ख्वाब में अपने बाबा को देखा कि मेरा बाबा आया, कह रहा है सैयदा मैं तुम्हें लेने आया हूं। सकीना जिंदाने शाम में जब सोने वाली थी, दम को तोड़ने वाली थी, तो अपने बाबा हुसैन को ख्वाब में देखा। जब सैयदा का गुस्ल अली ने दिया तो चीख मार के रोए। और कैद खाने शाम में किसी बीवी ने चीख मार के आवाज बुलंद की, वाह मजलूमा। पूछा गया क्या हुआ? का सकीना का कुर्ता जख्मों में
चिपक गया है, इतने ताजिया ने खाए। तीसरा अंदाज, रसूल खुदा के बाद फातिमा पे रोने की पाबंदी थी, हुसैन की शहादत के बाद सकीना पे भी रोने की पाबंदी थी। हां अजीजों, चराग गुल कर दिए गए, लाइट ऑफ कर दी गई, ये जानते हैं किस वक्त की सीरत और किस बात पर अमल किया गया है। जनाबे सैयदा ने मौला अली से वसीयत की थी, मेरा लाशा शब की तारीकी में उठाना, अंधेरी रात में उठाना। हां सकीना और सैयदा की मुसीबत का एक अंदाज और मिलता जुलता है कि जब सकीना के मसाइब शामे गरीबा में होते हैं तब भी अंधेरा हो जाता है, जब सैयदा का ताबूत औरतें उठाती हैं तब भी अंधेरा हो जाता है, जब फातिमा की मुसीबत बयान होती है तब भी अंधेरे में। हां आजादारों, मैं कौन सी रवायत पढ़ूं जो आप बिलक बिलक के रोएं और पुरसा दें? शायद कानपुर का मजमा इसी बात को महसूस कर ले तो मजलिस तमाम हो गई। हर मजलिस में जनाबे सैयदा आती हैं पुरसा लेने, मगर इन मजलिसों में जैनबों में कुलसूम आई होंगी, इमाम हसन और हुसैन आए होंगे, खुद रसूल खुदा आए होंगे, मेरी बेटी का मातम करने वाले जमा हो गए। हां अजीजों, दरवाजे में आग लगा दी गई, दरवाजा गिराया गया, जनाबे मोहसिन की शहादत हो गई, हसनैन नाना की कब्र पर जाते थे रो रो के कहते थे बाबा नाना मेरी अम्मा बीमार नहीं है, मेरी अम्मा जख्मी है, ए नाना मेरी अम्मा के जख्म भर दो नाना। अली जाते थे कब्र नबी से बच्चों को हटा के घर लाते। एक रोज ऐसा आया कि मौला अली को करीब बुलाया, जनाबे जहरा ने वसीयत की मेरा जनाजा शब की तारीकी में उठे, फुला फुला जालिम मेरे जनाजे में शरीक ना हो। उसके बाद फरमाया या अली आप जानते हैं मेरा मुसल्ला कहां बिस्ता है? का जहां पर हुसैन का बिस्तर होता है। का या अली जानते हैं ऐसा मैं क्यों करती हूं? का हां बीवी जानता हूं, हुसैन को आधी रात में प्यास लगती है, आप मुसल्ले से पानी उठा के हुसैन को दे देती हैं। बस सैयदा ने हाथ जोड़ के रो के कहा या अली जब रात में जाग के इबादत करना तो अपना मुसल्ला हुसैन के बिस्तर के करीब छाना, मेरा हुसैन रात को प्यासा ना रहे। जनाबे जैनब आगे बढ़ी, ए अम्मा ये वसीयत बाबा से ना करो, इस वसीयत की मैं जिम्मेदार बनती हूं, जब तक जैनब जिंदा रहेगी मेरा हुसैन प्यासा ना रहेगा। आजादारों सुन सकोगे, यही वजह है जब करबला में हुसैन के गले पर खंजर चल रहा था तो जैनब फरियाद कर रही थी, ए जालिमों मेरे भैया को पानी पिला दो। हाँ मुझे हुक्म दिया गया है कि शहजादी की मुसीबत बयान हो, 55 मिनट की इजाजत, मजलिस तमाम। सैयदा ने वसीयतें की, अली मस्जिद चले गए, आपने अपने हुजरे में जनाबे अस्मा को बुलाया, फरमाया अस्मा जब तक तस्बीह और तहलील की आवाज आती रहे समझना तुम्हारी शहजादी सलामत है, जब आवाज आना बंद हो जाए तो समझना तुम्हारी शहजादी रसूल खुदा के पास गई।
मगर अस्मा याद रखना, मेरे बच्चे जब मस्जिद से वापस आए तो उन्हें मेरी शहादत की खबर पहले ना देना, पहले उन्हें खाना खिलाना। हसनैन घर में दाखिल हुए, जनाबे अस्मा ने दस्तरखान बिछाया, हाथों को जोड़ा, ए शहजादो खाना खा लो। इमाम हसन तो खामोश रहे, इमाम हुसैन आगे बढ़े, ए अस्मा क्या इससे पहले बगैर माँ के खाना खाते देखा? अस्मा मजबूर हो गई, हुजरे की तरफ इशारा किया। हुसैन हुजरे में आए, देखा शहजादी फातिमा के जिस्म अथर पर सफाए चादर पड़ी थी। हुसैन ने चादर हटाई, ए अम्मा तेरा हुसैन आ गया, ए अम्मा मुझे खाना खिला दो अम्मा। सैयदा की कोई आवाज ना आई। अली को इत्तला हुई, अली घर में आए, अली ने गुस्लो कफन दिया, जनाजा तैयार किया। जब सैयदा का जनाजा तैयार हो गया तो अली ने सैने खाना में ताबूत रख दिया, रोकर कहा बच्चों आओ, माँ का आखिरी दीदार करो। इमाम हसन आए, माँ का चेहरा देखा, जनाबे ज़ैनब आई, माँ को आखिरी सलाम किया, उम्मे कुलसूम आई, माँ को आखिरी सलाम। हुसैन गोशे में रो रहे थे, अली ने सीने से लगाया, ए मेरे लाल माँ से रुखसत हो जाओ। कहा नहीं बाबा, मेरी माँ हमेशा हुसैन कह के पुकारती थी, मेरी माँ मुझे पुकारे। अली ने हाथों को जोड़ा, कहे मेरे लाल आज की रात तेरी माँ तुझे ना पुकारेगी, तुम अपनी अम्मा को पुकारो। हुसैन अली से कुछ ना कहा, खामोशी से आगे बढ़े, फातिमा के पायती आए, अपने सरे मुबारक फातिमा के कदमों पर रखा, हाथों को जोड़ा। नन्हे से बच्चे ने रो के पूछा, ए अम्मा तुम ही तो कहती थी कि जब मरियम इस दुनिया से गई तो ईसा को सीने से लगाया, ए अम्मा मुझे सीने से लगा लो, ये सुनना था बंदे कफन टूटे दो हाथ बरामद हुए, एक आवाज आई, आ मेरे हुसैन मेरे सीने से लग जाओ। हुसैन माँ के सीने से लिपटे, रो के एक जुमला कहा, ए अम्मा तुमने पुकारा किया सदा, उम्मत करे फाकत करे अदा, आए आए ये गहरे जख्म याल का मुक्तला, 1900 है जख्म खाक पर। जहरा की दो या तीन जुमले छोड़ा हूं, तुम इतना रो है ना कयामत आ गई। जनाबे जहर ने रो के कहा, ए फिजा अब क्या कयामत आएगी? औनो मोहम्मद कैसे हुसैन ने उठाए, कासिम की पामाल लाश के टुकड़े हुसैन ने उठाए, अकबर की मैयत हुसैन ने उठाई, अस्क का जनाजा हुसैन ने उठाया, अब्बास के बाजू हुसैन ने उठाए। का शहजादी इससे बड़ी कयामत आ गई। एक मर्तबा पूछा कि इससे बड़ी कयामत क्या होगी कि नबी का नवासा 3 दिन का पैसा जबा कर दिया गया। फिजा ने तड़प के कहा, शहजादी इससे बड़ी कयामत है। का फिजा वो क्या कयामत है? नवासे का लाशा पामाल होगा, जैनब का दिल तबराया, मदीने का रुख किया, ए नाना मोहम्मद मुस्तफा नवासे को बचाओ। कोई आवाज ना आई। नजफ का रुख किया, ए बाबा लिए मुर्तजा बेटे को बचाओ। कोई सदा मेरा हुसैन पामाल ना होता, आज शेर होता। सकीना
सकीना नहीं कहता बाबा, नहीं कहता बाबा, मुझे कोई सकीना नहीं कहता तुमसे
मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे, क्या करूं अपने तमाचे की शिकायत तुमसे, सुनती हूँ दागीने का तमाचा मुझे। रोने वाले कर रहा हूँ ये मिश्रा, वो तो बीमार थी, बीमार थी नहीं वो तो बीमार थी, मर जाती समझ में आकर, अरे दफन करते उस बाजार में भैया कैसे, ये तो अच्छा हुआ आई नहीं सुबला बाबा, अब मुझे को नौबत कैसी, नौबत कैसी सुनेंगे, कभी आई नहीं थी मुझ पर, ऐसी नौबत भी कभी आई नहीं थी मुझ पर, किस तरह मांगती रमला से मैं अपने दाहर बांटने बाबा, अब मुझे कोई जमीना नहीं कहता बाबा, कैदी कहता कैदी कहता है कोई कोई यतीमा आप लोग बैठे रहे हैं। एक आखिरी के मसाल में पेश कर रहा हूँ, उसके बाद मातम होगा इंशाल्लाह। बोसीदा से दरवाजे पर जब जाती है जहरा, बोसीदा से दरवाजे पर जब जाती है जहरा, पसली के चटकने की सदा पाती है जहरा, जहां तक ये आवाज जा रही है मुझे मालूम है आप दिल की गहराइयों से पुरसा देंगे मौलाए कायनात को। बोसीदा से दरवाजे पर जब जाती है जहरा, पसली के चटकने की सदा पाती है जहरा, पसली के चटकने की खबर उनको ना पहुंचे, आते हैं अली घर में तो घबराती है, पसली के चटकने की खबर उनको ना पहुंचे, आते हैं अली घर में तो घबराती है जहरा, और मोहसिन की तड़प और भी बढ़ जाती है दिल में, मोहसिन की तड़प और भी बढ़ जाती है दिल में, बच्चों को कलेजे से जब निपटाती मेरे सुने, कवाली की तरफ जाती है दुनिया ज़ईफा सी नजर आती, उस सिन में ज़ईफा सी नजर आती है जहरा, अहवाले दिले फातिमा क्या ताज मैं लिखूं, अहवाले दिले फातिमा क्या ताज मैं लिखूं, माजी का सितम सोच के घबराती है जहरा, मातम हुसैन या फातिमा जहरा, फातिमा जहरा या फातिमा जहरा, या फातिमा जहरा या फातिमा जहरा, या फातिमा जहरा या फातिमा जहरा, या जहरा या सैयदा।